इन इंडियन ओशन रीजन और सिंपली मेंटली मैप ऑफ वर्ल्ड को रिकॉल करो, कैन वी मेक सेंस कि इंडियन ओशन का बड़ा प्रोमिनेंट लोकेशन है एज अ ट्रांजिट ओशन बिटवीन पैसिफिक एंड अटलांटिक। नो वंडर्स आज की डेट में जब आप जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करते हो तो आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। सो इंडिया इज जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ नंबर वन हर लोकेशन, नंबर टू हर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स? कम ऑन, वी आर मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूथ पॉपुलेशन, मैच्योर एज पॉपुलेशन, वी आर अ लार्जेस्ट मार्केट फॉर एनी कंपनी, कैनॉट एनी कंट्री एंड एनी कंपनी कैनॉट इग्नोर इंडिया लाइक कंट्री व्हेन इट कम्स टू देयर मार्केटिंग। बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए। तो एल्फ्रेड मैहन इज आस्किंग अस टू अंडरस्टैंड व्हाट, दैट माय पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस विल बी डिटरमाइंड बाय माय लोकेशन एंड माय इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द क्रक्स ऑफ जियो पॉलिटिकल आइडियाज। और एल्फ्रेड मैहन के डिसाइपल थे मैकिंडर। अब हमें इस फ्लो चार्ट में कुछ ऐड करना है तब आप इसको कॉपी डाउन करेंगे। एल्फ्रेड मैहन के डिसाइपल है मैकिंडर। मैकिंडर इज इंग्लिश स्कॉलर, ब्रिटिश स्कॉलर, एंड ही प्रपाउंडेड व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू लर्न, हार्टलैंड कंसेप्ट। तो कभी भी कोई भी स्टडी रैंडम नहीं करनी चाहिए कि आपने अचानक आउट ऑफ द बॉक्स उठा लिया हार्टलैंड कंसेप्ट, कौन है, कहां से आया, नहीं पता, बस पढ़ लिया, क्योंकि सिलेबस में तो सिर्फ हार्टलैंड लिखा है। और उनके बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक जो है स्पाइकमैन, उन्होंने प्रपाउंड किया है रिमलैंड कंसेप्ट। इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करने के लिए एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, अभी हम लिखते हैं। पहले आप लोग इतना कॉपी डाउन करो, थोड़ा सा पेज को एडजस्ट करके लिखें। एरोज बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। एल्फ्रेड मैहन, हैल्फोर्ड मैकिंडर एंड जॉन निकोलस स्पाइकमैन डेवलप्ड देयर जियोपॉलिटिकल आइडियाज बेस्ड ऑन सी पावर। एंड आई हैव पर्पसफुली जस्ट एडेड टू मोर नेम्स इन टेल एंडर, हमारे थियरी बिल्डिंग में भी काम आएंगे। दे डेवलप्ड देयर जियोपॉलिटिकल आइडियाज बेस्ड ऑन एयर पावर। आज के डेट में तो आप इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर रहे हैं, बट फॉर देम सी पावर एंड एयर पावर वॉज इम्पोर्टेंट। एट दिस वैभव एंड विशाल रिपीट करें, जो कुछ छूटा है वो लिखो। द ऑर्गेनिक स्टेट कंसेप्ट वॉज प्रपोज बाय राजल, दैट यू हैव रिटन, एम्फसाइजिंग दैट लाइक एन ऑर्गेनिज्म स्टेट और पोलिटिकल यूनिट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो, ब्रैकेट में लिख लो स्पेशियली, मतलब आपको एरिया बढ़ाना है, और एल्स दे विल बी ग्रोन अपॉन, दे विल लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा, हु इज मैकिंडर? मैकिंडर डिसाइपल ऑफ फादर ऑफ पोलिटिकल ज्योग्राफी। मैकिंडर प्रपोज्ड हार्टलैंड कंसेप्ट। अब हमें हार्टलैंड कंसेप्ट को समझना है तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया, हार्टलैंड इज जियोपॉलिटिकल आइडिया। जियोपॉलिटिकल आइडिया के कौन से दो मीनिंग हैं? लोकेशन एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आई बी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकली एज पर माय लोकेशन। सेंट्रल एशिया को जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, सोचकर देखो। सेंट्रल एशिया is buffer transition between Europe, Southwest Asia, South Asia, Southeast Asia, East Asia, Northern Asia. तो China के One Belt One Road, India के North South Corridor. I hope you are understanding. So my location tends to determine my importance. उसका थोड़ा सा magnifying glass लोगे तो my internal characteristics also. That is geopolitical idea. How much of the introduction you have to write in the answer, that automatically will depend on the question you are answering. But you need to be aware of that both Mackinder and Spykman were proposing geopolitical ideas. And geopolitical idea is a counterbalancing viewpoint of organic state that is almost done, dead. This is valid and ever growing. I hope it is comfortable. Map chahiye, Asia ka map, North America ka map aur Europe ka map. To tino pages kholo, swing karte rahenge. Hum aapko ek map open karke lead zarur de. Map of Asia, map of Europe and map of North America. North America ekdam chote se kaam ke liye chahiye, uske baad hata denge, lekin le lo. Open kar. Ho gaya open?
अच्छा सबसे पहले मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका देखेंगे। वर्चुअल क्लास कुछ हिंट दीजिए, ओपन हो गया तो हम आगे बढ़े। ग्रेट। अच्छा हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम अप कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ से लीड मिले, एंड आई एम आस्किंग यू टू नोटिस दैट आपको ये वाला एरिया देखना है। अभी पहले दिखा रहे हैं फिर जूम करेंगे। ये मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देगा। यू आर नोटिसिंग अलास्का एंड इट इज ऑलमोस्ट टचिंग एशिया। जूम कर दिया। Yes, all of us? दिखाई दे रहा है अलास्का में। चलो यहाँ पर लीड दे रहे हैं, आप नोटिस करते जाइए, जो लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर लो, जो मिसिंग है उसको लिख लो। दिस इज द अलास्कन टेरिटरी एंड आई एम कंसर्न्ड विद दिस पेनिनसुला विच आई हैव शेडेड, आई हैव कंप्लीटली मेड इट रेड। आर यू नोटिसिंग इट इज सीवर्ड पेनिनसुला? क्योंकि ये नाम ना फिर मुझे एशिया में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आ गए। सबको दिख गया? दिख गया। सीवर्ड पेनिनसुला से आप जैसे वन स्टेप वेस्ट ले रहे हो आपको दिखाई दे रहा है, जानबूझकर ब्लैक कलर से हाईलाइट करके लिख रहे हैं, बेरिंग स्ट्रेट इज दैट नैरो आर्म ऑफ वाटर विच इज कनेक्टिंग पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। यस और नो? दूसरे तरीके से, बेरिंग स्ट्रेट इज दैट नैरो आर्म ऑफ वाटर विच इज सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, अलास्का सीवर्ड पेनिनसुला एंड साइबीरिया। ये साइबीरियन पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ही विजिबल है। यस और नो? नाम लिख लो। इट इज कॉल्ड चुकची पेनिनसुला। चुकची पेनिनसुला इज साइबीरिया एशिया रशिया, एंड सीवर्ड पेनिनसुला इज नॉर्थ अमेरिका अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी कहती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज टू डिसकंटिगुअस पॉलिटिकल यूनिट, एक अलास्का अभी हमारे राडार पर है और एक हवाईयन आइलैंड। ये हो गया है तो हमें गो अहेड दीजिए। अब नॉर्थ अमेरिका का काम हो गया, बाद में जाएंगे वहां पर। नॉर्थ अमेरिका को छोड़ दो, एशिया में पहुंचो। एशिया में सीवर्ड पेनिनसुला, सॉरी एशिया में चुकची पेनिनसुला आप पहचान पाओगे। अब नॉर्थ अमेरिका का पेज क्लोज कर सकते हैं, वी डोंट नीड इट। थोड़ी देर बाद चाहिए होगा फिर से खोल लेंगे। पहुंच गए सब लोग एशिया के मैप पर? हाँ ना तो बोलो। आज थोड़ा सा कोऑपरेट करो, हम थोड़े बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो आ जाओ एशिया के मैप पर, एशिया के मैप पर जल्दी से पहुंच जाओ चुकची पेनिनसुला। पहुंच गए? चलो अब चुकची पेनिनसुला से, अभी हम जूम इन पर ही रहते हैं, हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखें, रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहे हैं। चुकची पेनिनसुला से ग्रेजुअली साउथ जाते हुए मुझे एक ये ट्रायंगुलर पेनिनसुला भी बड़े आराम से दिखाई दिया। ये लेबल्ड है आपके मैप में, दिस इज कमचटका पेनिनसुला। हम मेंशन करेंगे इसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमने तो बोल दिया और आप घूम रहे हो कहीं वर्ल्ड में है जब कमचटका पेनिनसुला। क्लैरिटी होगी तो कंसेप्ट एकदम फटाफट पकड़ा जाएगा। कमचटका पेनिनसुला, हैव यू नोटिस्ड इट? यू हैव नोटिस्ड इट। कमचटका पेनिनसुला एंड चुकची पेनिनसुला पॉलिटिकली बिलोंग्स टू साइबीरिया, दैट इज रशिया। आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल। ये क्लियर हो गया? अच्छा अब आ जाओ जरा मैप ऑफ यूरोप में, इसको बंद मत करना, दोबारा यहां पर आए। विशाल आपने नो क्यों लिखा? आपको कमचटका पेनिनसुला नहीं दिखाई दिया? देखो हम जूम आउट कर रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में बिल्कुल आराम से दिख रहा है कमचटका पेनिनसुला। ठीक है चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैप के इस वाले पार्ट को जूम कर रहे हैं। आप सब लोग मैप ऑफ यूरोप में हैं, आप सबको मैप ऑफ यूरोप में, आई एम पर्पसफुली मेकिंग इट विद रेड कलर, कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है। ज्यादा कुछ डिटेल्स में जाना नहीं, बस ये नोटिस करो कि कैस्पियन सी इज माउथ ऑफ रिवर वोल्गा, दिख रहा है? कैस्पियन सी इज माउथ ऑफ रिवर वोल्गा। वोल्गा इज द लेंथीएस्ट रिवर ऑफ रशिया। दिख गया सबको? चलो हमारा थोड़ा सा बेसिक मैप नॉलेज चाहिए था टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हु इज मैकिंडर? मैकिंडर प्रोपाउंडेड द जियोपॉलिटिकल आइडिया दैट इज देयर इन आवर सिलेबस कॉल्ड हार्टलैंड, और ये मैप है जो हमारे को बिगनिंग दे रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे, डार्क ग्रीन कलर से जो पिवट एरिया लिखा हुआ है, हार्टलैंड नहीं लिखा हुआ, पिवट एरिया लिखा हुआ है। एंड कैन ऑल ऑफ अस नोटिस, आई वॉन्ट टू मार्क इट हियर, कैन ऑल ऑफ अस नोटिस कि ये जो पिवट एरिया है इसकी डिमार्केशन आपने कहां से की हुई है?
The pivot area is from river Volga. लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं, from river Volga to Siberia. जैसे साइबेरिया बोलते हैं तो भाई चुकची पेनिनसुला, कमचटका पेनिनसुला अपने आप ही, वी बिलीव इट इज देयर, इट इज पार्ट ऑफ साइबेरिया. ध्यान से नोटिस करेंगे नहीं है. पिवट एरिया डू नॉट इंक्लूड चुकची एंड कमचटका पेनिनसुला. और आसान बनाओ अपने लिए, पिवट एरिया डू नॉट इंक्लूड मरीटाइम ज़ोन्स ऑफ साइबेरिया. जिसका वॉटर फ्रंट है उस एरिया को नहीं इंक्लूड किया. आप बोलोगे नहीं किया तो है, ये सारा वॉटर फ्रंट ही तो है. किसके साथ? आर्कटिक ओशन. यस ऑल ऑफ अस, ये सब वॉटर फ्रंट ही तो है. बट प्लीज डोंट मिस टू रीड, इट्स आईसीसी, इट्स फ्रोजन, इट कैन नॉट बी नेविगेटेड बाय मरीन रूट. आप सुनो जरा ध्यान से. मैकिंडर प्रपाउंडेड हिज जियोपॉलिटिकल आइडिया as a very young research scholar in the beginning of 20th century 1904. Ekdam young research scholar and presented it in front of then very prestigious Royal Geographic Society. Is research paper, the research paper was named the Geographical Pivot of History. Pivot aapko yahan dikhai de raha hai. Pivot ka matlab hota hai dhuri, node, something which is central. So Geographical Pivot of History. Here what he did, he demarcated a pivot area. आपके सामने है. What is pivot area? Area of Russia that extended from Volga River to Siberia. अब to Siberia को clarify कर दिया, maritime Siberia नहीं है. इसलिए दो peninsula specifically pinpoint कर दिए, वो आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए. ना तो चुकची included है, ना कमचटका included है. I am covering Siberia but not with the Pacific shoreline, inland. वो इसको पिवट क्यों बोल रहे हैं? वो कहते हैं ये वो एरिया है जो इनएसेसिबल है वाया द सी रूट. आई कैन नॉट एनक्रोच इनटू दिस एरिया वाया एनी नेविगेबल लिंक. दस इट इज अ नेचुरली प्रोटेक्टेड फोर्ट. जैसे पुराने जमाने में होता था फोर्ट ऑन ऊंचा पहाड़ी, आज के टाइम में तो फोर्ट क्या है? सैटेलाइट से आप स्पाइंग कर लोगे. So you have to think about that time. So which time we are in? We are in the beginning of 20th century. कौन से basis पर geopolitical idea evolve हुआ है? Sea power. What is pivot area? Pivot area is that naturally protected area which cannot be encroached upon via sea route. Why? It doesn't have any maritime area, barring the exception of Arctic shoreline. But then Arctic ocean is frozen. आ रही है बात समझ में के लिए. पिवट एरिया क्योंकि नेचुरली प्रोटेक्टेड फोर्ट है तो ये बनेगा नोडल. जियोपॉलिटिक्स क्या है? मेरी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस लोकेशन से आती है. तो पिवट एरिया इज द मोस्ट प्रायोरिटी लोकेशन व्हेन इट कम्स ऑन टू जियोपॉलिटिक्स. क्या रीजन है कि भाई ये सबसे प्रायोरिटी लोकेशन है? इट्स अ नेचुरली प्रोटेक्टेड फोर्ट. जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ना शुरू करे बच्चे तो दिमाग में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मत लाओ. ऐसा थोड़ी होता है. पहले समझो कि स्कॉलर क्या कह रहा है, उसके बाद हम जजमेंट करते हैं. हार्टलैंड दोबारा से रिवाइव हुआ है विद द एग्रेशन दैट वी आर सीइंग विद रशिया. रशिया इज नॉट दैट एग्रेसिव एज चाइना बड़े रिसेंट टाइम्स तक हम बोलते आए थे. बट विद यूक्रेनियन वॉर अब सोचने पर मजबूर है क्या ये बोल सकते हैं. So you have to be very clear with what exactly is being developed and why are we studying it today. So जब कोई भी concept की शुरुआत करो तो critical viewpoint मत रखो. समझने की कोशिश करो कि एक scholar कहना क्या चाह रहे हैं. हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं? Value है तभी तो पढ़ रहे हैं ना. तो अगर critical thought लेकर पढ़ना शुरू करोगे तो हम assimilate कर ही नहीं पाएंगे concept को. So अपनी सारी knowledge, अपनी सारी critical thinking को थोड़ी देर side में रखते हैं. Scholar क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर criticism पर आते हैं. So pivot is a nodal area, central area, dominating area from geopolitical purview. कहां से कहां तक? River Volga से लेकर Siberia तक minus maritime zone. इसलिए मैं आप दिखा दिया. It has been given the nodal status in the geopolitics. Why? Because it is a naturally protected fort.
Why it is a naturally protected fort? Because it cannot be encroached upon. I cannot reach up there via the sea route. क्योंकि पूरा का पूरा geopolitical idea sea power पर based है. चलो convincing argument. यहां तक clear हुआ? अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा map को zoom out करेंगे, तो I'll just cross this. Surrounding pivot area is inner crescent. नाम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Surrounding pivot area is inner crescent, and as I increase the distance, further थोड़ा सा और zoom out कर देते हैं, आपको इस map में क्या दिखाई दे रहा है? North and South Americas दोनों edge पर बना रखे, तो they are representing outer crescent. थोड़ा ध्यान से देखते हैं, what is inner crescent? Inner crescent is the area that fringes the pivot area, extensive from Scandinavia, Norway, Sweden, including Southern Europe, northern part of Africa दिखाई दे रहा है, minus desert, desert अलग से highlighted है, northern part of Africa, South Asia, Southeast Asia and your Kamchatka Chukchi Peninsula. Inner crescent is geopolitically second ranking in its importance. Second rank क्यों? Maritime link है, तो ये protected fort नहीं है. Second क्यों? Because it is fringing pivot, ये pivot के next rank पर आ रहा है, तो दोनों ही reason से आप इसको second importance में दीजिए. And what is third area? It is outer crescent. So what is outer crescent involving? बिल्कुल इस map को देखते ही समझ में आता है, New World, North America, South America, Oceania, yes, major part of Africa, पर थोड़े से अपने eyes को trouble दो. जापान में भी आउटर लिखा हुआ है और यूनाइटेड किंगडम में भी आउटर लिखा हुआ है. सो यूरेशिया, यूरेशिया इज डोमिनेंटली इन पिवट एंड इनर क्रिसेंट बारिंग द एक्सेप्शन ऑफ आइलैंड्स ऑफ यूरेशिया. यहां पर पिकअप करो जापान, यहां पर पिकअप करो यूनाइटेड किंगडम, दे आर बीन आउटलाइंड एज आउटर क्रिसेंट, लीस्ट पोलिटिकली इंपॉर्टेंट. Why are they least politically important? पूरा का पूरा maritime route से आप पहुंच सकते हो किसी भी island पर. बात समझ में आई? दोबारा से बोल रहे हैं. What is geopolitical idea presented by Mackinder at the beginning? So at the beginning ये तीन level पर evolve हुआ है. तो 1904 में एक research paper present किया जिसका नाम है the pivot, the geographical pivot of history. इस paper में he was the first scholar to have attempted classification on the geopolitical relevance of the habited world. So he divided habited world into three grades: pivot area, inner crescent, outer crescent. Pivot area, geopolitically sabse strong location because it is a naturally protected fort. Inner crescent usse thoda weaker and outer crescent weakest. Ye to samajh mein aa gaya. Acha isi map ko dhyan se dekho, nahi to apni knowledge of map of world ko bhi imagine kar sakte ho. जब हम मैप ऑफ वर्ल्ड को एक जनरल असेसमेंट में देखते हैं तो अफ्रीका और यूरेशिया मुझे थोड़ा सा कंबाइंड लैंड मास के तौर पर दिखता है. ओशनिया बिल्कुल अलग है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग है, एंटार्क्टिका तो अनइनहैबिटेड है, अदरवाइज भी इसको कंसिडर नहीं करते. तो द कंबाइंड लैंड मास ऑफ अफ्रीका एंड यूरेशिया वॉज बीन गिवन नेम इन दिस रिसर्च पेपर वर्ल्ड आइलैंड. इस रिसर्च पेपर में मुझे एक्चुअली दो चीजें मिली. पहला क्या मिला कि वर्ल्ड के जो हैबिटेड एरिया हैं उनको आपने तीन ग्रेड में डिवाइड करा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, और दूसरी चीज नियर कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड अफ्रीका को आपने नाम दिया वर्ल्ड आइलैंड. अब वर्ल्ड आइलैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. बस वही लॉजिक अप्लाई करो, ज्यादा मुश्किल काम है नहीं. वर्ल्ड आइलैंड इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड 7/8 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. ये है रिसर्च पेपर पार्ट वन. इतने इंप्रेस हुए सारे के सारे स्कॉलर्स ऑफ रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, बहुत एनकरेज किया क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट पूरा हैबिटेड वर्ल्ड को जियोपॉलिटिकली इस तरह से ग्रेड किया गया. सो बिकॉज दिस यंग रिसर्च स्कॉलर वॉज गिवन वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ पुश, बहुत अच्छा काम किया एंड एक्सेट्रा, ही कैरीड फॉरवर्ड हिज जियोपॉलिटिकल आइडिया ऑन द सेम लाइन्स
एंड केम अप विद, एक बड़ा लंबा टाइम लीप है, एंड केम अप विद इलाबोरेट टेक्स्ट बुक ऑन जियोपॉलिटिक्स इन 1919 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार एम्फोसाइज करें। 1919 में जो इनकी किताब आई रिसर्च पेपर में, इट वॉज एंटाइटल्ड द डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियालिटी। इस किताब में पहली बार टर्म इस्तेमाल हुआ हार्टलैंड, जिसके लिए जाने जाते हैं। इनका जियोपॉलिटिकल आइडिया का शुरुआत तो 1904 में है, तब इन्होंने हार्टलैंड टर्म का इस्तेमाल नहीं किया। 1919 में जजमेंट क्या आई, बिल्कुल एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट लो फिर हम लिखवाना शुरू कर रहे हैं, जानबूझकर बोलेंगे और बार बार इंसिस्ट करेंगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 लेड टू, अक्टूबर इसलिए बोल रहे हैं कि 1917 खत्म हो चुका है। अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 लेड टू जार रूल्ड रशिया, किंग ऑफ रशिया कन्वर्टेड और कन्वर्टिंग, मार्किंग द जेनेसिस ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। यूएसएसआर केम इन टू बींग आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917, पहला चीज ये। दूसरा, ही वॉज कंटिन्यूसली इंसिस्टिंग पिमेटेरिया साइबेरिया, वोल्गा टू साइबेरिया। जब यूएसएसआर केम इन टू बींग तो पिमेटेरिया को थोड़ा सा एनलार्जमेंट दिया इन्होंने, लार्जली टू समवेयर रोपिन, टोटल नहीं, लार्जली टू समवेयर रोपिन द पोलिटिकल एक्सटेंशन ऑफ यूएसएसआर। So there were some areas that were included of Turkey, जिसको आप एशिया माइनर बोलते हो, some areas of Mongolia was incorporated, largely already है, जो influence zone में था USSR का, तो pivot area को थोड़ा सा enlarge करके उसको नाम दिया heartland। तो heartland मतलब inner crescent को कम कर दिया और pivot को थोड़ा बढ़ा दिया, बाकी point वही है। Very important thing that was there as the important observation made by this propounder is growth of European prominence। इन्होंने ऑब्जर्व करा 1904 से 1919 तक आते हुए कि स्वेज कनाल के खुलने से यूरोपियन इकोनॉमिक इंफ्लुएंस मल्टीप्लाइड मेजरली, एंड दैट इकोनॉमिक इंफ्लुएंस रिफ्लेक्टेड इन देयर ग्रोथ ऑफ मिलिट्री माइट, एंड दिस वॉज द रीजन दैट जर्मनी कुड इन्वेड रशिया। दिस वॉज द रीजन दैट जर्मनी कुड इन्वेड रशिया। अच्छा, जर्मन इन्वेजन ऑन रशिया समवेयर शैटर्ड हिज परसेप्शन कि मेरा हार्टलैंड विच इज एनलार्ज पिवट इज अ नेचुरली प्रोटेक्टेड फोर्ट, एंड दैट इज द रीजन इन हिज टेक्स्ट वेन ही केम अप विद हिज इलाबोरेट जियोपॉलिटिकल आइडिया ही कंक्लूडेड फॉर वॉट ही इज नोन। आपने ये जरूर सुना है, ध्यान से सुनो, जिस्ट पकड़ में आ जाएगा। जर्मनी टू रशिया, केयरफुल, ही हु कंट्रोल्स ईस्टर्न यूरोप कैन कंट्रोल हार्टलैंड। अभी पिवट को देखकर सोचो हार्टलैंड। ही हु कंट्रोल्स हार्टलैंड विल कंट्रोल वर्ल्ड आइलैंड। 7/8 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द एरिया, एंड ही हु कंट्रोल्स वर्ल्ड आइलैंड विल बी कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, एंड माइंड इट, 1919 में ये बुक आई। हार्टलैंड को आप जज करो यूएसएसआर, बहुत लॉजिकल सेंस है ना। 1917 में यूएसएसआर का जेनेसिस हुआ, 1921 तक तो यूएसएसआर की पॉलिटिकल मोडालिटीज तक कंप्लीट नहीं हुई थी कि कौन कौन से पॉलिटिकल सब यूनिट्स बनेंगे फॉर्मर यूएसएसआर के। तो 1919 में तो यूएसएसआर वर्ल्ड पावर नहीं था, फॉर श्योर नहीं था। इसका मतलब मैकिंडर ने कुछ प्रोजेक्शंस दी दैट हार्टलैंड, रीड इट सिनोनिमस टू फॉर्मर यूएसएसआर, हार्टलैंड विल बी द हार्ट टू द ग्लोबल ग्रोथ एज हार्ट इज टू आर बॉडी। मीन्स इट विल रिफ्लेक्ट, किसी भी पैरामीटर पर ग्रोथ जज करो, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मिलिट्री ग्रोथ, एनी ग्रोथ, हार्टलैंड विल बी द हार्ट ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। इट वॉज प्रोजेक्टेड इन 1919, प्रूव टू बी करेक्ट। लीप्स एंड बाउंड्स ऑफ द ग्रोथ दैट फॉर्मर यूएसएसआर रजिस्टर्ड टू बिकम द वर्ल्ड पावर। तो अगर कोई स्कॉलर किसी चीज को, एक तो होती है रियालिटी जिसको आपने जज करके उसके बारे में लिखा, आप किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
और वो प्रोजेक्शन रियली प्रूव हो जाए तो आप तो कहोगे ना बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन लिया, दैट दिस इज द लोकेशनल बेनिफिट दैट इज गिविंग मी दिस काइंड ऑफ गेज. तो मैकिंडर का जो जियोपॉलिटिकल आइडिया है ना वो इतना कन्विंसिंग है, इतना राइट प्रोजेक्शन बेस्ड है दैट वी डेफिनेटली काउंटिंग हिम एज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट प्रोपाउंडर. सी पावर, नेचुरली प्रोटेक्टेड फोर्ट, बिल्कुल आउटडेटेड चीजें लगती हैं, लेकिन जो बात उन्होंने इसके बेसिस पर कही वो प्रूव टू बी करेक्ट. And that is the reason his geopolitical idea is very prominent, and a torch bearers when it comes on to what is geopolitics and all about. एक और अमेंडमेंट दिया उन्होंने 1943 में, अगेन एज अ रिसर्च पेपर. सोचकर देखो 1904 से आप 1943 में आ गए. नॉर्मली स्कॉलर्स अपने व्यू पॉइंट को रेडली अमेंड करते नहीं है. मैंने ये ऑब्जर्वेशन लिया है, दिस इज टू बी डन. बट मैकिंडर की वैल्यू ऑफ जियोपॉलिटिकल आइडिया इसी के साथ भी है दैट मैकिंडर वाज वेरी ओपन टू इंटीग्रेट द चेंजिंग डायनामिक्स. जियोपॉलिटिक्स का मतलब ही तो है कि इट इज इवॉल्विंग. बाय 1940s यूएसए काफी स्ट्रॉन्गली पॉलिटिकली इवॉल्व हुआ था और यूएसए के पॉलिटिकली एवोल्यूशन में यूनाइटेड किंगडम के साथ उसका जो कंजीनियल रिलेशन है वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पर उभर कर सामने आया. इट इज वेरी क्लियरली गिविंग अस द जस्टिफिकेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. फ्रेंड्स आर परमानेंट ना, इंटरेस्ट आर परमानेंट, फ्रेंड्स आर नॉट. यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था? समवेयर टू कंटेन ever growing geopolitical prominence of a socialist power. By 1940s he had to do away with his idea protected fort and etc. when he is saying that United Kingdom and across North Atlantic United States of America developed a counterbalancing node of the geopolitical equation and he gave it the name Midland. Matlab he was open to incorporate the dynamism evolving. अब यही 1943 का अमेंडमेंट उनके क्रिटिसिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बनता है, वो हम ग्रेजुअली जज करते हैं.